हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए न्यू ईयर स्पेशल चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट केक छोटे हो या बड़े, सबको बहुत पसंद आता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। केक बेक करने के लिए ये मैंने कढ़ाई दी है, तो हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। इसमें बीच में एक कटोरी रख देते हैं। आप इसकी जगह रिंग स्टैंड या जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा केक पॉट है वह अच्छे से रखा जाए। और इसे हम थाली से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। केक बेक करने के लिए मैंने ये केक पॉट लिया है। अगर आपके पास केक पॉट नहीं है तो आप इसकी जगह स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे, तो इसके बराबर की मैंने कटिंग कर ली थी और इसे इस तरह से हम अच्छे से लगा देंगे। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। बाउल में एक चम्मच कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी आप कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और इसमें हम 3 चम्मच पानी लेंगे, सेम उसी चम्मच से लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। बाउल में 1/3 कप वेजिटेबल ऑयल लेंगे, 1/3 कप दही, इसमें 1/2 कप और 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने शक्कर पीस कर डाली है तो थोड़े से इसमें शक्कर के दाने भी रह सकते हैं। तो हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो शक्कर है वह अच्छे से मेल्ट हो जाए। शक्कर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो 1 कप हम इसमें मैदा लेंगे, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, और इसे हम छान लेंगे। ये देखिए चलने में कुछ कोको पाउडर और मैदे की गुठलियां रह गई है, तो आप इस तरह से दबाकर इसे छान लें। आपको इसे इस तरह से कट देते हुए मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने से केक बहुत अच्छा फूलता है और उसमें जाली भी बहुत अच्छी आती है। तो आप इसको इसी तरह से मिक्स करें कट देते हुए। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने कॉफ़ी मिक्स करी थी पानी में वो डाल देंगे। इसे भी हम सेम उसी तरह से मिक्स करेंगे। आपको इसे जितनी भी बार मिक्स करना है आपको इसी तरीके से मिक्स करना है। ये मैंने 1/2 कप दूध लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर का है। इसे हम इसी तरह से कट देते हुए मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें डालेंगे और इसी तरह से हमें मिक्स करना है। ये मैंने इसमें सभी दूध डाल दिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसे केक पॉट में डाल देंगे। इसे आपको बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना है। जैसे ही ये मिक्स होए तुरंत आप इसे केक पॉट में डालें। इसे बेक होने के लिए हम रख देंगे और 45 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। इसे हम कवर कर देते हैं और अच्छे से आपको इसे कवर करना है ताकि इसकी एयर बाहर नहीं निकले। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे बीच में खोले नहीं। ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम रखी है। 45 मिनट हो गए हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम बीच में चाकू डाल के देखेंगे और देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकला है। बिल्कुल भी इसमें केक चिपका नहीं है, मतलब केक अच्छी तरह से पक चुका है। तो हम इसे अब बाहर निकाल लेंगे।
इसे हमें अच्छी तरह से ठंडा करना है, तो इसे हम कपड़े से ढक देंगे। आपको केक को बिल्कुल भी पंखे के नीचे नहीं रखना है। अगर आप पंखे के नीचे रख देंगे तो जो इसकी ऊपर की परत है वो कड़क हो जाएगी, तो आपको इसे नॉर्मल ही ठंडा करना है। ये देखिए केक ठंडा हो गया है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसे इस तरीके से उल्टा करके और इसका जो बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी बना है केक, और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, इसे बीच में से कट कर लेंगे। मैं इसकी दो ही लेयर काट रही हूँ, अगर आपको तीन लेयर में काटना है तो आप उस तरीके से भी काट सकते हैं। ये देखिए कितना जालीदार बना है केक, और आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। अब एक बाउल में हम थोड़ी सी कॉफ़ी लेंगे और उसी चम्मच से हम करीब 6 चम्मच पानी डालेंगे। ये हमारा कॉफ़ी सिरप बनकर तैयार हो गया है। ये मैंने होममेड आइसिंग बनाई है, अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो नीचे मैंने लिंक शेयर की है, आप देख सकते हैं। और इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारी आइसिंग भी बनकर तैयार हो गई है, अब हम केक का डेकोरेशन करेंगे। प्लेट में थोड़ी सी आइसिंग लेंगे, इस पर केक की जो नीचे वाली स्लाइस है वो रखेंगे। इस पर अच्छे से चारों साइड कॉफी सिरप डालेंगे। आइसिंग से केक को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इस पर हम दूसरी स्लाइस रखेंगे, कॉफी सिरप लगाएंगे और क्रीम से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे।